आप सबका फिर से एक नए प्लॉट का स्वागत है। सो दोस्तों इधर देखिए सीरू है, इधर हेमंत है। गाइस अभी आप लोग को बताने चाहेंगे बहुत बड़ा आज का ब्लॉग जो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सो देखते रहिए, ये देखिए अभी अपना हैरी जो यहाँ पर रेडी हो रहा है। सो गाइस चलिए अभी निकलते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आखिर मनोज दे ने इस तरह का स्टोरी क्यों डाला और हड़बड़ाकर वीडियो क्यों बनाया, चलिए उसका कारण मैं बताता हूँ। तो मैं ये यूट्यूब पे आ जाता हूँ। यूट्यूब पे आने के बाद मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, बी बॉयज एक यूट्यूब चैनल है, स्टोरी में भी उन्होंने वो लगा के रखा है। तो यहाँ पर बी बॉयज का एक चैनल है, देख सकते हैं 16 लाख सब्सक्राइबर है, 132 वीडियोज़ है। तो यहाँ पर मैं वीडियोज़ पर चलता हूँ और वीडियोज़ पर जाने के बाद मैं यहाँ पर आपको प्ले करके दिखाता हूँ इनका वीडियोज़। यहाँ पर ये भी इसी तरह से वीडियो बनाते हैं सेम जैसे कि उन्होंने बनाया है। चलिए एड को मैं स्किप कर देता हूँ, तो मैंने स्किप कर दिया है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं ये बंदा भी जो है बी बॉयज भी है, वैसे ही हड़बड़ाकर वीडियो बनाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे अभी मनोज दे ने एक्टिंग किया, तो मतलब ये बंदा जो है बी बॉयज ये ऐसे ही स्टार्टिंग करता है अपने ब्लॉग को और इसी तरह से हड़बड़ाकर वो वीडियो बनाते हैं, जो कि मनोज दे ने इसको देख कर कि इसका एक्टिंग थोड़ा सा करके अपने स्टोरी में लगाया इसी को देख कर और इसको टैग भी कर दिया। तो इसी तरह से ये जो है हड़बड़ाकर वीडियो बनाते हैं, इसीलिए मनोज दे ने थोड़ा जो है इसका ओवर एक्टिंग करके और इस तरह से दिखाया है। तो ये बंदा जो है पूरा हड़बड़ाकर और अपना वीडियो ब्लॉग स्टार्ट करता है, सेम इसी तरह से मनोज दे ने भी एक्टिंग किया है। और ज़्यादा कुछ नहीं था दोस्तों, बी बॉयज का बस नकल किए हैं और एक्टिंग करके वो अपने स्टोरी में डाले हुए हैं, बस फनी वीडियो था। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज़।